हाय गाइस, वेलकम योर फेवरेट यूट्यूब चैनल फेशियल केयर ऑन सेल्फ। प्लीज क्लिक सब्सक्राइब बटन एंड बेल बटन फॉर लेटेस्ट वीडियो। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। हाय फ्रेंड्स, दिस इज शीशा। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ फेशियल हेयर को कैसे आप रिमूव करेंगे उसके बारे में एक बहुत ही इजी सा और बहुत ही अच्छा सा टिप्स देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पिछले हफ्ते जो वीडियो बनाया था फेशियल हेयर का रिमूव करने के लिए, वो काफी सारे देखे हैं और पसंद भी किए हैं, पर बहुत सारे को उनमें कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं मिला है। तो इसके लिए मैं अभी जो इंग्रेडिएंट्स लेके आई हूँ, ये सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट्स है और फ्रेंड्स ये हर किसी के किचन रूम में अवेलेबल रहता है और ये जो फेशियल हेयर को रिमूव करता है ये बहुत ही अच्छे से भी रिमूव करता है। तो ये देखिए, ये मैंने बना के लेके आई हूँ। मैं तभी मैं इसको कैसे बनाई हूँ वो मैं दिखा देती हूँ और उसके बाद मैं इसको अपने ऊपर अप्लाई करके इसका लाइव डेमो भी दिखाऊंगी। पर दोस्तों, इसको आगे देखने से पहले देखिए, मेरे वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन और एक बेल बटन आ रहा है, इन दोनों को क्लिक कर ले और मुझे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फिर आप सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई नया सा वीडियो लाऊंगी उसको आप देख पाएंगे और ये टोटली फ्री है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाया जाता है और उसके बाद इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इजीली आप कैसे अपने हेयर को यानी फेशियल हेयर को रिमूव करेंगे परमानेंटली उसका ही होम रेमेडीज देख लेते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको लेना है कॉर्नफ्लावर, सिर्फ कॉर्नफ्लावर ही लेना है, पर इसको कैसे इस्तेमाल करना है उसका तरीका ही मैं आज दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आपको लेना है कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच आपको कॉर्नफ्लावर ले लेना है। इसको मैं अपने फेस में लगा के इसका लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगी आपको। तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले और इसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना है, लगभग 2 से 3 चम्मच आपको पानी ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर ले। 2 ही चम्मच पानी ले, 2 चम्मच आप कॉर्नफ्लावर लेते हैं तो 2 चम्मच से काफी है, ऐसा होना है इसको, इसका थिकनेस ऐसा होना है। और इसके बाद आपको क्या करना है मैं दिखाती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसको थोड़ा सा गर्म करके गाढ़ा कर लेना है धीमी आंच में, इसको गाढ़ा करना है। तो मैं चूल्हे में मटा चुकी हूँ तो थोड़ा इसको गाढ़ा करने के लिए एकदम धीमी आंच में इसको ऐसे हिलाते जाना है आपको। गाढ़ा होने के बाद आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो ये रेडी हो चुका है, देखिए अभी इसको कैसे आपको यूज करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो लेट्स गो। तो फिर आपने देख ली है इसको मैंने कैसे बनाया है, अभी मैं इसको अप्लाई करूंगी। जिस चम्मच से इसको बनाया जाएगा उसी चम्मच से आपको अपने फेशियल हेयर में, फेशियल हेयर मतलब फ्रेंड्स आपके फेस में जो छोटा छोटा हेयर होता है वही, बियर्ड नहीं, याद रखिए। कोई भी मैन, बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जो लोग पूछ सकते हैं मैम बियर्ड जाएगा क्या, ये बियर्ड के लिए नहीं है, ये फेशियल हेयर के लिए है। तो मैं लगा लेती हूँ, थोड़ा गुनगुना रहते ही इसको आपको अप्लाई करना है, नहीं सूख गया तो नहीं काम में आएगा। तो और इसको आपको नीचे की तरफ जिस साइड में आपका हेयर लाइन है उसी साइड में इसको आपको अप्लाई करना है, ऐसे मोटा ठीक करके अप्लाई करना है और इसको ड्राई करने के लिए रख देना है। तो मैं थोड़ा नजदीक आ रही हूँ कैमरे के सामने आपको दिखाने के लिए। तो फुल फेस का आप लगा सकते हैं, फुल फेस में इसको लगा सकते हैं, अपर लिप में भी लगा सकते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे लगा के आपको दिखा रही हूँ। और इसको फुल ड्राई करने के लिए आपको रख देना है, फुल जब ड्राई हो जाएगा तब आपको इसको रिमूव करना है। थोड़ा थिकी करके आपको इसको लगा लेना है, थोड़ा थिकी करके लगाना है। तो मैं कैमरे के एकदम नजदीक आ चुकी हूँ, आप देख पा रहे हैं क्या, तो ऐसे ठीक करके आपको लगा लेना है और इसके बाद इसको आपको रख देना है फुल ड्राई करने के लिए। फुल ड्राई होने के बाद फ्रेंड्स इसको आपको रिमूव करना है। रिमूव करने का भी अलग तरीका है, वो कैसे रिमूव करना है वो भी दिखाऊंगा। रिमूव करने के बाद कितना सारा हेयर मेरा रिमूव होता है वो भी आप देख पाएंगे, तो आएगा वीडियो अच्छे से देखें।
और फ्रेंड्स आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे इंट्रो मिलता है, मैं और भी नया नया वीडियो आपके लिए रिसर्च करके बनाती जाती हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी क्लिक करें, क्योंकि आप बेल बटन को क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है, तो आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को भी देख पाते हैं। तो सब्सक्राइब बटन और बेल बटन को जरूर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स इसको मैं अभी ड्राई करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि कैमरे के सामने मैं इसको फुल ड्राई नहीं कर पाऊंगी, फुल ड्राई करने के लिए टाइम लगेगा। थोड़ा सा ड्राई करके आपके पास फिर से रिटर्न आ रही हूँ, पर आप नहीं जाइए, अभी का अभी आप देख पाएंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं रिटर्न आ चुकी हूँ और ये थोड़ा ड्राई हो चुका है, फुल ड्राई हो चुका है, थोड़ा नहीं फुल ड्राई करना है आपको। और इसके बाद आपको हेयर को ऑपोजिट डायरेक्शन से इसको लूप करना है, ऐसे मैं दिखा रही हूँ आपको। छोटा छोटा करके आपको इसको रिमूव करना है, मैं सामने आ रही हूँ नजदीक ताकि आप देख सके। फुल ड्राई होने के बाद ही रिमूव करना है, और आप जब इसको ऊपर खींचेंगे तभी आप फील कर पाएंगे कि आपका हेयर रिमूव हो रहा है। दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी इसमें बहुत हेयर आ रहा है, आप देख सकते हैं ये हेयर रिमूव कर रहा है मेरा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको फेस को अच्छे से धो लेना है, फुल ड्राई करने के बाद ही फ्रेंड्स रिमूव हो गए, याद रखिए फुल ड्राई होना है, उसके बाद ही आपको ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन से इसको रिमूव करना है। तो फ्रेंड्स ये अभी मैं धो के दिखाती हूँ आपको फुल फाइनल रिजल्ट। ये मैंने धो लिया है, तो थोड़ा आप देख रहे हैं हल्का रेडिश लग रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके हेयर को रिमूव किया है तो थोड़ा हल्का रेडिश लगेगा। ठंडे पानी से धो लें और कुछ देर बाद ये आपका स्किन कलर के जैसे आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे थोड़ा भी हेयर नहीं है। और एक बात है फ्रेंड्स, ये जो टिप्स है इसको फ्रेंड्स आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना है, तो हफ्ते में 2 से 3 बार करें तो फ्रेंड्स ये फुल आपके फेशियल हेयर को फुल रिमूव कर देगा 2 से 3 बार इस्तेमाल करने के बाद। और फ्रेंड्स आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू मतलब आपको फेशियल हेयर निकलने से पहले फिर से इसको अप्लाई करना है। इसको आप पहला हफ्ता जब 2 से 3 बार कर लेते हैं तब 2 हफ्ता छोड़ के फिर से करिए, और उसके बाद फिर से 2 हफ्ता छोड़ के फिर से कीजिए। ऐसा आप लगातार 1 से 2 महीना करते हैं तो फ्रेंड्स ये आपके फेशियल हेयर को परमानेंटली रिमूव कर देगा। ये था एक फेशियल हेयर रिमूव करने का होम रेमेडीज, बहुत ही इजी सा और बहुत ही इफेक्टिव सा। तो इस वीडियो को देख के और इसके बारे में जानकारी लेकर आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ, यूट्यूब के साथ इसको जरूर शेयर करें। तो आज के लिए फ्रेंड्स